करने वाले हैं जो कि मेरे लैंप के साथ हुआ है। मैं आपको जरा दिखाता हूं। तो ये देखिए गाइस, मेरा जो लैंप है वो चल नहीं रहा है बिकॉज मैंने जैसे ये बल्ब लगा के टेस्ट किया ना इसका, क्योंकि इसका बल्ब मुझे लग रहा है शॉर्ट हो गया था। तो ये जैसे मैंने इसमें बल्ब फिट किया और अब इसको स्विच को कनेक्ट करके जैसे ऑन कर रहा हूं ना, तो ये देखो ये चल नहीं रहा है। तो इसकी वजह से बहुत इशू आ रहा है। तो मैंने इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए क्या सोचा है कि मैं खुद का एक लैंप बनाऊंगा, वो भी इस बॉक्स से। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ऐसा बॉक्स ढूंढना है जो कि परफेक्टली लैंप बनने के लिए स्क्वायर साइज लैंप चेक आउट कर सकते हैं, कोई भी अपनी बॉक्स ले सकते हैं। इसके बाद आपको ढूंढना है एक बल्ब का होल्डर। ये सिंपल एक बल्ब होल्डर है जो कि मुझे यहीं पे मिल गया था। और उसके बाद ये रहा हमारा लैंप, और आगे तो बस इसमें स्विच लगाना है, प्लग लगाना है, उसको आपको दिखा दें। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, जो वायर है उसको कट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको आगे से छीन लेते हैं। तो हमें बिल्कुल इसी का साइज ही रखनी है वायर, ताकि ये इजीली कट हो सके। तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो गाइस ये कट चुके हैं वायर, अब हमें क्या करना है, हमें इसको छीनना है। आई मीन टू से इसके ऊपर से जो कवरिंग है ये उतारनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कवरिंग उतर गई है, इसको थोड़ा सा और छीन लेते हैं। मैंने इसे छीन लिया है, आप देख सकते हैं ये यहाँ से वायर निकल चुकी है। अब उसको थोड़ा सा मूंदना है ताकि ये पॉइंट बन जाए, और इसमें इधर जो ये मेटल है उसको मूंदना है इस तरह से, ताकि ये भी एक फिक्स हो जाए। और उसके बाद लिए मैंने गाइस ये एक सिंपल रॉ वायर है, खराब मोबाइल चार्जर की तार भी ले सकते हो उसकी जगह पे। और इसको भी गाइस आपको सिंपली यहाँ से छीनना है। ये तार काफी ज्यादा पतली थी, सो मैंने ट्राई तो बहुत कुछ करी कि मोटी तार मिल जाए, बट मुझे पतली मिली है। मैंने तो छीन लिया है, अब बस ये रह गई है रेड वाली, इसको भी छीन लेते हैं जरा थोड़ी सी। ये थोड़ी पतली है और यहाँ ये परफेक्टली हो गई है। अब हमें क्या करना है, इनको सिंपली इनको भी मोड़ देना है। ये तार मोड़ने से बेनिफिट ये रहता है, इसके अंदर की जो कॉपर वायर है ना ये परफेक्टली उसमें रह जाती है, और फिर इससे करंट लगने के चांसेस या खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। बिकॉज हम यूजली ये काम जो होल्डिंग वाला करते हैं सोल्डरिंग करके भी कर सकते हो आप, वो डिपेंड करते हैं कि आपको आपके पास क्या है अवेलेबल है। वैसे तो नॉर्मल मोड़ना भी आप जैसे मैं मोड़ रहा हूँ ये कर सकते हैं। अब सिंपली गाइस आपको कनेक्शन कर रहे हैं, सो आप सिंपली कनेक्शन कर दीजिए रेड को रेड के साथ और ब्लू को ब्लू के साथ। तो चलो गाइस आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये एक्चुअली तार थोड़ी मोटी है, आप इसको जितनी अच्छी तरह से मोड़ेंगे उतने कम चांसेस होंगे शॉक लगने के। और एक ये वाली तार है, ये आपस में कनेक्ट करने तो अच्छा है, इससे बहुत इजी रहेगा मेरे लिए आगे का काम करना। बिकॉज ये तार काफी लंबी थी तो मैंने इसके ऊपर ये सारी तार मूव की है, बिल्कुल है अच्छी तरह से तार की है दूर रहेगी मुझे। जस्ट मिनट या तो गाइस ये कनेक्ट हो चुकी है तार, आप देख सकते हैं। और अब हमें सिंपली इसमें वो लगा देंगे, टेप लगा देंगे हम इस पर, या आप इसको सोल्डर भी कर सकते हैं। तो आई थिंक तो ये तार अब नहीं निकलने वाली है, तो हम इस पर थोड़ी सी टेप लगा देंगे। ओके, जस्ट छोटा सा टेप को टुकड़ा लगा देंगे गाइस मैंने। ओके, इससे ये रहेगा ना गाइस, ये वायर जो है ये स्टिक रहेगी, इन्हें भी टेप लगाने का बस बेनिफिट यही रहता है। अब इस पर अच्छी तरह से टेप लगा के मैं बंद कर दे रहा हूँ ताकि ये जॉइंट यहाँ से हिले ना। अब हमें क्या करना है, अब मुझे सिंपली गाइस जो होल्डर है इसको इसमें फिक्स करना है बॉक्स में। तो मैंने सोचा है इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग करेंगे,
तो मैं गलत फोल्डर के शेप का यहाँ से बना लेता हूँ। इसे कट करना बहुत ईजी हो जाएगा गाइस, हमने बस सिंपली इसको यहाँ से अंदर कर देना है। सो मैं इसको ऐसे अंदर करने वाला हूँ। ओके, एंड इसकी कैंची की मदद से इसे काट सकते हैं तरह से गाइस। इससे गाइस एक ये बेनिफिट ये रहेगा कि हमें एग्जैक्ट शेप का पता रहेगा कि कहाँ पे है, और हम यहाँ से मैं थोड़ा सा कटआउट कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ से ये कटना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसको पूरा इसी के साइज का रखना है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं काटना है, इसलिए मैंने सीजर का यूज किया। ओके, एंड यहाँ तो ग्रेट, एंड थोड़ा सा इधर बिल्कुल आराम से रखने लगे ताकि फट ना जाए, एंड इधर भी रह गया अभी आई थिंक, सो इतने में देर फिट हो ही जाएगा। ओके, इधर से कट कर दे रहा हूँ। सो गाइस मैं शेयर हो चुका है परफेक्टली। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको अंदर से फिट आउट करना है। सो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ आपको बता रहा हूँ, जरा मैं लैंप को वापस निकालता हूँ और यहाँ इसके लिए चेंज करने वाला हूँ वायर। या बेसिकली इसके लिए एंट्री गेट जैसे ये बनाया था ये बना। अब मुझे ये चीज चेकआउट करने का इसकी दोनों तरफ से एग्जैक्ट शेप पे छेद हो ताकि मुझे ये काम निकालने में आसान मिले। चलो इधर से भी छेद कर लेते हैं। ओके, आई होप सो गाइस आपको दिख रहा होगा कि मैं इसको परफेक्टली कैसे कट करूं। एक बेनिफिट ये मिल गई गाइस कि ये जो बॉक्स है इस पे टेप लगी हुई पहले से, सो इसके खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसे बॉक्स आपको फ्लिपकार्ट के ऑर्डर बॉक्स मिल सकते हैं, अमेजोन के मिल जाते हैं, तो उनसे आप ये आराम से डिजाइन आउट कर। ओके, या तो गाइस ये छेद हो गया इधर से अच्छी तरह से। अब बस सिंपली इसे इस फोल्डर को हमें इससे फिट आउट करना है, जो कि आई थिंक सो इजी ही रहना चाहिए। बाकी लेट्स सी, मैंने इसको जैसे कट आउट कर तो दिया है। अब एक काम करते हैं, हम इस वायर को यहाँ से डाल देता हूँ और फिर इधर से निकाल कर उसे फिट आउट करते हैं। देखिए या सो गाइस आप देख सकते हैं वायर आ चुकी है यहाँ से, अभी पूरी की पूरी जो वायर है इसके अंदर यहाँ पे फिट हो जाएगा। ग्रेट, ये लग तो गया है, आई होप से हिले ना। या तो गाइस ये होल्डर लग गया है और ये रही वायर। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली इसके आगे लगाना है बल्क पॉइंट जो कि होने वाला है टूटी शीट, और साथ में लगा दूंगा मैं एक स्विच जो कि यहाँ पे आप पीछे भी लगा सकते हो, और उस स्विच के भी कनेक्शन मुझे इसी में देने होंगे। सो उसके लिए मेरे पास ये तार पड़ी है रॉ वायर है, सो हम इसी से मैं इसके पुल बनाने वाला हूँ। चलिए बनाते हैं। अब इस तार को पहले यहाँ से ग्रेजुएट में छीन लेता हूँ ताकि ये टू में छू लगने ज्वाइन हो सके। ये देखिए गाइस तार छीन चुकी है, अब हमें इसको सेपरेट आउट करना है। तो सिंपली मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से सेपरेट आउट कर दूंगा, तो ये काफी पतली है। मुझे ये चीज दिखनी भी है इसमें कि ये जो दोनों वायर है उसके लिए कितना साइज है, क्योंकि इसने दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही कर दिया है। अब ये भी है, पहले दिख नहीं जा रहा है तो जो मुश्किल हो रही है काफी यूज करने में। अब देखते हैं ये हो गई, और अभी जैसे भी इसको मोल्ड कर देते हैं और अब इसको शू केस में लगाना होगा। या सो इसको मैं खोल देता हूँ, ये खुल गया है, ये देखिए गए
शूट हो चुका है, अभी स्क्रीन कैमरा में इसे फिट कर रहे हैं। सो ये तार तो काफी छोटी लग रही है, बाकी देखो ट्राई करता हूँ मैं भाई, ये क्योंकि इसके ब्रेसर जो है वो बहुत छोटे हैं। Let's try our best. So, ए अब इसके जो स्क्रू जहाँ पर ढीला कर लेते हैं, जस्ट ये मैंने ढीला कर दिया, ग्रेट। और हम इसको निकाल लेते हैं। सो बस स्क्रू मैंने निकाल लिया, इनमें ये वायर को लगाना है। सो एक तरफ एक वायर आएगी, दूसरी तरफ दूसरी वायर आएगी। सो मुझे बस ये चेकआउट करना है कि ये अच्छी तरह से फिट हुआ है कि नहीं, क्योंकि वायर थोड़ी सी छोटी है। एक तो लग गई है गाइस, अब दूसरी के लिए थोड़ा सा सोचना है, दूसरी आपको मिलेगी कैसे, देखो जब दूसरी थोड़ा सा दूर है यहाँ से, देखते हैं इसके क्या फीचर बनता है। तो गाइस ये वायर काफी छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने एक और वायर भी ले ली है ताकि आराम से कनेक्शन हो सके। सो उम्मीद है गाइस अभी ये आराम से हो जाएगा, देखते हैं क्योंकि अब ये कनेक्शन जाने चाहिए, इसमें कुछ भूमि। चलिए इसमें आप डाल के देखते हैं कनेक्शन को। ओहो ये तो अभी भी छोटे हैं, एक काम करते हैं गाइस स्विच में, इसके स्विच में लगा देते हैं, यहाँ पे कनेक्शन इजी रहेगा, फिर इस स्विच बोर्ड के लिए आगे से देखते हैं। सो इस पर इसके लिए हमें सबसे पहले इस स्क्रू को खोलना है, ये लीजिए गाइस स्क्रू खोल देते हैं, ठीक है गाइस ये बड़े स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा। अब चलो भाई जिनमें ये जो वायर्स हैं इनको अटैच कर देते हैं, ओके, और फिर इनको टाइट कर देंगे। सो एक मिनट, या अब इसके कनेक्शन कर रहा हूँ मोबाइल में। अभी देख सकते हो गाइस रेड वाली और ब्लैक वाली को अलग अलग करके यहाँ पे ज्वाइन कर दें। सो बस इसमें मैंने लगा दिया है, इसको टाइट करना है। सो रेड वाला तो गाइस हो गया है, अब ब्लैक वाली की बारी है। जस्ट मुझे ये चेक कर रही है टाइट भी फिट हुआ है कि नहीं, तो फिट हुआ है। रेड वाला तो टाइट ही फिट हो गया था, पर ब्लैक वाला जो ढीला रह गया, तो कोई बात नहीं, इसे दोबारा से लगा देता हूँ। ये होता है गाइस हमें ध्यान से वायर करने तो उसको जॉइन आउट करना होता है, वरना प्रॉब्लम है बाद में। ये तो अब डिजाइन हो गया होगा, वायर जो है जुड़ चुकी है, अब सिंपली इसके आगे कनेक्शन कर देते हैं। सो अब मैं ये जो वायर है गाइस इसको अंदर फोल्ड करना होगा और स्विच को यहाँ पे अटैच करना होगा, जो हो जाएगा नहीं ऐसी देखी है छह दुआ है कि नहीं। ओके सेंटर से भी सपोर्ट देख लो गाइस, ओके। तो ये जो वायर है अच्छी तरह से फिट आउट हो चुकी है, अब हमें सिंपली बस ऐसे छोड़ देना। ग्रेट, अब क्या करना है गाइस, ये जो यहाँ पे वायर है
इसको इस ट्यूबिंग शू के साथ कनेक्ट कर देते हैं जो कि यहाँ से ऐसे ऐसे कैरी आउट हो जाएगी एक ब्रेक। सो इस वायर को जरा छीन लेता हूँ जगाने वाला वाली का स्पीड गाइस मैं टाइप कर देते हैं। रेड वाली जब गई है गाइस अब बारी है ब्लैक वाली की। ये लग गई है ओके। सो ये ब्लैक वाली की लग गई है अब बस इसको यहाँ पे अंदर टाइड ऑन कर देना। ये लग चुके हैं आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर ये वायर अटैच कर दी है और रिलीज को एक बार तो ड्राइवर से चेक कर लीजिए अगर ये परफेक्टली हो गया है तो कुछ अगर वैसे थोड़ा सा कष्ट देना है एक बार ही चेक कर देखिए ट्राई कर दिया तो फिर यहाँ से इसे ऐसे करके बंद कर क्लोज हो जाएगा। तो ये लग चुका है गाइस स्विच गुड परफेक्टली गाइस ये स्विच बन चुका है। अब प्लग पॉइंट आप इसे प्लग को लगा सकते हैं एंड ये रहा स्विच एंड दिस इज द सम एक्स्ट्रा वायर्स। ओके अब गाइस बल्ब को यहां पे सेट कर दिए हैं। सो यहां पे हम अपना बल्ब फिट कर रहे हैं ओके। Bulb is fitted. Now let's just get connected. So guys, wire थोड़ी छोटी है तो मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। Okay, so guys, आपको simply क्या करना है? आपको इसको यहाँ पे connect करना है और फिर यहाँ से switch on करना है। Okay?